नमस्कार द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। बीजेपी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, अमित शाह हाय हाय, ये नारे कौन लगा रहा है? आप सोचिए, आप सोच रहे होंगे बड़े देशद्रोही लोग हैं जो नारे लगा रहे हैं, कांग्रेसी लोग हैं जो नारे लगा रहे हैं, विपक्षी लोग हैं जो नारे लगा रहे हैं। ये नारे लगा रहे हैं कश्मीरी पंडित। जी हाँ, वो कश्मीरी पंडित जिनके नाम पर पिछले 8 साल में लगातार राजनीति होती रही है। कश्मीर फाइल्स नाम की ऐसी फिल्म बनाई गई जिसको एक तरह का राष्ट्रीय आंदोलन करार दे दिया गया। हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं राहुल भट्ट नाम के व्यक्ति का। आपने खबर भी नहीं पढ़ी होगी, तब भी सोशल मीडिया आपको जरूर पता होगा कि ये कैसा व्यक्ति है जिसकी जान ले ली आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, ये कश्मीरी पंडित है ये व्यक्ति जिसकी हत्या कर दी गई आतंकवादियों के जरिए। और बताया जा रहा है कि लश्कर ए तैयबा के वो लोग थे जिन्होंने हत्या की है। इस व्यक्ति को, राहुल भट्ट नाम का जो व्यक्ति है, उसको तहसील ऑफिस चदूरा में पोस्टिंग थी। स्पेशल जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज है भारत सरकार की तरफ से, जो कि नरेंद्र मोदी से पहले इंट्रोड्यूस किया गया था पिछली सरकारों के जरिए, उसके जरिए इस पैकेज का, यानी कि कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में बसाने का एक तरह से ये कार्यक्रम है जिसके जरिए इस व्यक्ति को यहाँ नौकरी दी गई थी। उसी के ऑफिस में आज जो है वो इसको लेकर सीधे चौथा दिन या पांचवा दिन हम कह सकते हैं कि इस घटना को है, जिसमें जब परिवार वाले और जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, जब वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए। अब यहाँ पूरा मामला ये है कि राहुल भट्ट के पूरे मुद्दे को ये बताया जाता है कि कश्मीरी पंडितों का मामला ये नेहरू की कारकर्दगी है, ये मनमोहन सिंह की, कांग्रेस पार्टी की, यानी विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया जाता है। और बार बार लिबरल्स के बारे में, तथा कथित जो उदारवादी लोग हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने इस समस्या को पूरी तरीके से प्रकाश में नहीं लेकर आए, जिसकी वजह से एक तरह से मार्जिनलाइज, मैं कहूंगी हाशिए के समुदाय हैं या प्रताड़ित समुदाय हैं। अब कश्मीरी पंडित प्रताड़ित हैं, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर अलग अलग राय हो सकती है। आज इस कार्यक्रम में खास मैं इस बात पर ही चर्चा करूंगी कि क्या राहुल भट्ट पहले और ऐसे आखिरी पीड़ित हैं, उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार कौन है। इस पूरे मामले पे जो तापमान बढ़ाया जा रहा है, सिर्फ फिल्में बनाकर और फिल्मों में भी एक ब्रांड एम्बेसडर का काम किया नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने, और कहा कि ये फिल्म शानदार फिल्म है और जिसको भी समस्या है वो अपनी फिल्म बनाए, यहां तक उन्होंने कह दिया। उनकी सरकार का जो पूरा महकमा है, पूरी मशीनरी है, न सिर्फ की केंद्र सरकार बल्कि अलग अलग जहां जहां बीजेपी के राज्य हैं, जहां राज्यों में सरकारें हैं वहां पे इसको टैक्स फ्री किया गया। यहां तक कि बीजेपी विधायकों और सांसदों ने बाकायदा फ्री स्क्रीनिंग की। जो सरकारी जो एम्प्लॉयज हैं उनको आधे दिन की छुट्टी दी गई ताकि इस फिल्म को देखा जाए। और इस फिल्म ने जितना ज्यादा सांप्रदायिक बंटवारा किया जा सकता था, खासकर कश्मीरियों के बीच, यानी कि दो अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग, कश्मीरी मुस्लिम्स और कश्मीरी पंडितों के बीच ही विवाद पैदा नहीं किया, बल्कि पूरे भारत में ऐसा बताया गया कि भाजपा के अलावा बाकी सब जिम्मेदार है कश्मीरी पंडितों के इन हालात के लिए। मेरे साथ इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। अनुराधा भसीन है, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही कपिल काक सुरक्षा मामलों के बड़े जानकार हैं। इन दोनों मेहमानों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मुद्दे को आखिर समझा कैसे जाए। कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है, शायद ही कोई भारतीय है जिसे उनका दर्द नहीं होता, लेकिन इस दर्द की दवा क्या है, इस दर्द की जड़ क्या है? और अभी जो हमारे सामने तमाम जो मुद्दा नजर आ रहा है, खासकर जो आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद बार बार हमें बताया गया कि ये राम बाण है, एक बार जो राज्य का दर्जा भी वापस ले लिया गया, और जो एक स्पेशल अरेंजमेंट था भारत का संविधान और भारत की जो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं, मेन लैंड जिसे कहते हैं, मुख्य धारा उसके साथ कश्मीर का, उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। तो क्या इस तमाम आर्टिकल 370 का जो पूरा हमने थिएट्रिक देखा, उस थिएट्रिक्स के बाद ये जो राहुल भट्ट वाला मामला सामने आ रहा है, क्या वही ढाक के तीन बात? अनुराधा भसीन जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि इस पूरे मामले को, राहुल भट्ट के मामले को आप देखती किस तरह से हैं? क्या आप बहुत ज्यादा हैरान हुई कि कैसे यह हत्या हो गई, आतंकवादियों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? देखिए, आपने बात की कि ये जो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज है, रिटर्न पैकेज है, ये इसके तहत राहुल भट्ट आया था और कई हजारों एम्प्लॉयज इस पैकेज से बेनिफिट होकर वो वादी में वापस गए हैं, लेकिन ये पैकेज पहले का है। और जब ये शुरू हुआ था, हालांकि ये कोई मैं नहीं कहूँगी कोई परफेक्ट पैकेज था, क्योंकि बहुत सारे सुझाव आए थे कोई भी सरकार, इससे पहले ये कहना भी जरूरी है कि किसी भी सरकार ने कभी भी सीरियसली लिया नहीं पंडितों के रिटर्न का इशू।
और एक जब बनी थी एक एक्शन कमिटी फॉर रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित माइग्रेट्स, तो उसमें कई सुझाव आए थे और बहुत अच्छे बेहतरीन सुझाव भी आए थे कि ये इनको अगर रिटर्न करना है तो घेटोज में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो घेटोआइजेशन हो जाएगी उससे जो ब्रिजेस बनाने की जरूरत है, जो खला बन गया हुआ है दोनों तरफ, नफरत की दीवारें खड़ी हो गई हैं और शक की दीवारें खड़ी हो गई हैं, 20 साल हो चुके थे इनके नहीं गए हुए वापस, तो उसको पूरा करने के लिए इनको आहिस्ता आहिस्ता कुछ कॉलोनी सेटअप की जाए, जहाँ पे कश्मीरी पंडित जो वहां पे रह रहे हैं, कुछ जो माइग्रेंट हैं उनको वापस लाया जाए, कुछ कुछ पॉपुलेशन मुस्लिम्स की भी हो, ताकि आपस में इंटरेक्शन रहे और इनका आहिस्ता आहिस्ता फेज वाइज पूरा एब्जॉर्प्शन और इंटीग्रेशन हो जाए विद इन कश्मीर। लेकिन ये सुझाव शायद नजरअंदाज कर दिए गए क्या थे, बहरहाल ये फाइनल एक पॉलिसी बनी जिसके तहत इम्प्लॉयज को ले जाया गया और आहिस्ता आहिस्ता उनमें इजाफा हुआ। गौर करने की बात यह है कि जब ये 2008 2009 में शुरू हुई थी पॉलिसी, तो इसमें एक सक्सेस रेट डेफिनेटली आया था कि उसमें आहिस्ता आहिस्ता नंबर्स बढ़ रहे थे, जो कश्मीरी पंडित वापस जा रहे थे, उनको नौकरियां मिल रही थी वहां पे, और जिसके तहत वो वहां पे उनका सेटलमेंट का एक फेज शुरू हुआ था, जो बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि जो कैंप्स थे वो शैबी थे और ट्रांजिट कैंप्स में उनको एक घेटो के तौर पे रखा जा रहा था। लेकिन फिर भी एक सक्सेस इसलिए था इसमें क्योंकि ये बहुत क्वाइटली किया जा रहा था, बहुत खामोशी से किया जा रहा था, अनुराग शोर मचा के नहीं किया जा रहा था। जी, आप बहुत अहम यहाँ पर ये पॉइंट आपका बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इस पर आपको जरूर लेकर आऊंगी कि क्यों ये फर्क है पिछली सरकारों में और इस सरकार में। इस कार्यक्रम का मकसद ही ये है कि कोई नई स्कीम नहीं है, ये पिछली सरकार ने शुरू की। लेकिन उससे पहले मैं राहुल भट्ट के मुद्दे पर आना चाहती हूँ कि राहुल भट्ट की जो हत्या हुई वो किस चीज का इंतकाम है, वो किस चीज की प्रतिक्रिया है। आतंकवादी भी जो अपना टारगेट ढूंढते हैं, वो कश्मीरी पंडित को उन्होंने ढूंढा, इससे पहले वो कश्मीरी मुसलमानों को भी मारते रहे हैं, तो वो अपना टारगेट ये इनको सेलेक्ट करके इनको मार के राहुल भट्ट को वो क्या हासिल करना चाहते हैं। देखिए, पहले जो 90 में हुआ, कई कश्मीरी पंडित मारे गए लेकिन बहुत सारे मुस्लिम्स भी मारे गए। ज्यादातर जो किलिंग्स, ये नहीं मैं कह सकती कि कोई भी किलिंग्स नहीं हुई टारगेटेड कश्मीरी पंडितों की, कुछ किलिंग्स जरूर हुई, लेकिन ज्यादातर जो लोग मारे गए वो इसलिए मारे गए क्योंकि उनके गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन थे। लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं ये कश्मीरी पंडित जा रहे हैं, पिछले 10 साल से ये पैकेज का जो 10 साल से ज्यादा हो गए ये इस पैकेज के तहत वापस जा रहे हैं, लेकिन आज तक इंसिडेंट नहीं हुए। ये पिछले कुछ महीनों से क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि एक प्रोपेगेंडा लगातार, एक नैरेटिव जो है सरकार और कुछ और फोर्सेस वो बिल्डअप कर रही हैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट कॉन्स्टेंटली, कि मुस्लिम्स जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो जिम्मेदार हैं कि पंडित बाहर निकले और कि पंडितों को सेटल किया जा रहा है, पंडितों के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये जो दीवारें हैं दोनों तरफ की वो ज्यादा बड़ी हो रही हैं, ज्यादा मजबूत हो रही हैं, और इन चीजों का फायदा कोई ना कोई जो जो लोग हैं जो अमन पसंद नहीं है वो इसका फायदा जरूर उठाएंगे। और इस वजह से क्योंकि जिस किस्म की पॉलिसीज, आपने फिल्म का नाम लिया, फिल्म एक मेजर प्रोपेगेंडा का जरिया है, लेकिन और भी कई तरीकों से प्रोपेगेंडा हो रहा है, और जब तक ये प्रोपेगेंडा इस किस्म का बंद नहीं होगा जो इससे, क्योंकि इससे जो है कश्मीरी पंडितों की वल्नरेबिलिटी, उनके रिस्क फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, जी हाँ, कम नहीं हो रहे हैं। कम नहीं हो रहे। मैं कपिल गर्ग जी की तरफ आऊंगी और आपसे मैं दोबारा वापस इस सवाल पर जरूर आऊंगी कि क्या पॉलिसी में जो फर्क है और किसके लिए आखिर जिम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि कपिल गर्ग जी यही हैरानी की बात यह है कि फिल्म में भी जिस तरह से
तथ्यों को दर्शाया गया, ऐसा लगा कि पहली बार 30-35 साल में कश्मीरी पंडितों के बारे में कोई बात कर रहा है, वो भी एक फीचर फिल्म के जरिए, वो भी बाकायदा एक एक कहानी के जरिए बात हो रही है। इससे पहले किसी ने इनके बारे में बात नहीं की, कोई स्कीम शुरू नहीं हुई, किसी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, सारी गलती नेहरू की थी, सारी गलती कश्मीरी मुसलमानों की है, बाकी भारतीय मुसलमानों की है, लिबरल्स की है, वामपंथियों की है, आपके जैसे लोगों की है जो स्टूडियो में बैठ के सिर्फ चर्चा करते हैं और कश्मीरी पंडितों पर ध्यान नहीं देते। मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि एक फिल्म बनाना और कश्मीरी पंडितों की असल जिंदगी में उनकी हिफाजत करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, इन दोनों का जो फर्क है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? और खासकर दर्शकों को ये भी बताइए, जैसे मैं पढ़ रही थी कि अभी भी 8500 KPSS ने बताया कि 8500 पंडित अभी भी घाटी में रहते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं? क्या ये जो 8500 लोग हैं ये अभी भी ट्रांजिट कैंपों में रह रहे हैं? क्या इनमें से कुछ कश्मीरी मुसलमानों के बीच में रहते हैं? क्या अपने पुराने घरों पर ये वापस जा पाए हैं? जी देखिए, जैसे आपने ठीक बिल्कुल दुरुस्त कहा अल्फा जी, इसकी कॉन्टेक्स्ट की जरूरत है। पहले संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि जो इस वक्त जो पब्लिक मूड है हमारी वादी में, महीनों से, सालों से, जब से 370 हटाया गया है, तो उसमें एक तरीके की नाराजगी है, बेबसी है, और कोई भी इश्कतियार जिसे प्रोवोकेशन कहते हैं एक बन सकता है, जो राहुल भट्ट का एक और प्रोवोकेशन आज शुरुआत हुई है। तो जैसे अनुराधा जी कह रही थी, मेरे ख्याल में कश्मीर फाइल्स को एक फिल्म, एक क्रिएटिव प्रोडक्ट है, मगर उस पर एक प्रोपेगेंडा एलिमेंट बहुत भारी तरीके से दिखाया गया है। और उस वक्त से मेरे, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, जब से ये फिल्म बनी है, जब से वो एग्जिबिट हुई है, जब तक हमारे देश के सबसे ऊंची सतर के जो राजनीतिक नेतृत्व है वो इनके प्रोपेगेंडिस्ट बने हैं फिल्म के, कि आप फिल्म को देख लीजिए। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। हमारा दर्द, कश्मीरी पंडितों का दर्द, वो उनका एग्जिडस का, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। दैट स्टोरी नीड टू बी टोल्ड, वो कहानी सुनाई गई है, अच्छी तरह से सुनाई गई, मगर वो फ्लिप साइड जो है वो डोमिनेट करता है। फ्लिप साइड कह क्या रहा है? फ्लिप साइड कह रहा है कि सारी के सारे 75 लाख कश्मीरी मुसलमान भाई वो सारे टेररिस्ट हैं। जो कश्मीरी लीडरशिप है, मेन स्ट्रीम लीडरशिप, उनको टेररिस्ट के लिए के साथ जोड़ा गया है, उनको प्रो पाकिस्तानी डिस्क्राइब किया है। और इस फिल्म की, जैसे मैंने कहा है, रिकमेंडेशन सारे के सारे मिनिस्टर जो रूलिंग कोएलिशन, रूलिंग पार्टी के मरकजी सरकार में, वो रेकमेंड करते आ रहे हैं। तो आपको मालूम होगा, आपको दर्शकों को मालूम होगा कि एक एक कंसर्न सिटीजन ग्रुप है जिसपे भूतपूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा रहे हैं, मैं उस 5 मेंबर ग्रुप का एक मेंबर हूं। हमने हाल ही में, कभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ है, एक रिपोर्ट में हमने ये पूरी तरह से एनालिसिस किया है कि कश्मीर फाइल जो फिल्म है ये एक बर्बादी का शुरुआत, और राहुल भट्ट की वो तो शुरुआत में पहला एक कदम है, अभी आगे और ही गंभीरता और बहुत ही खतरा हमारे सामने मौजूद होगा। कपिल जी, ये बताइए, राहुल भट्ट की जो हत्या हुई है, इससे आतंकवादी संदेश क्या देना चाहते हैं? अनुराधा जी ये कह रही है कि सब कुछ इतना सर पर चढ़कर, ये सारा पब्लिसिटी हो रही थी, जिस काम को एक बहुत ही सेंसिटिव इलाके में सेंसिटिवली किया जाना चाहिए था, अकलमंदी के साथ किया जाना चाहिए था, कि दो समुदाय हैं, दो एक दूसरे के साथ रहते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है इस पूरे इलाके की, क्या आप इसको जिम्मेदार मानते हैं? आतंकवादी संदेश क्या देना चाहते थे इस हत्या के जरिए? उन्होंने सिग्नल, बहुत ही अच्छी तरह से सिग्नल दिया जा रहा है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूँ। 16 कश्मीरी पंडित और नॉन लोकल हिंदू वादी में उनको निशाना बनाया गया है, जबकि 370 हटा है। 2021 में 3 पंडित, एक सिख और एक और हिंदू जम्मू के, उनकी हत्या की गई है। तो एक तो खैर एक शुपया में एक हुआ था, एक पंडित का अटैक, वो तो बच गया है। मैं कहना ये चाहता हूं कि जब आप एक कश्मीरी, हर कश्मीरी इस वक्त सारे हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है,
कि जो सांप्रदायिक ताकतें बढ़ रही हैं, जो माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है, तो क्या आप आरिफा जी सोच नहीं रखते, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि इसकी रिएक्शन नहीं होगी? और रिएक्शन ये है कि मैं आपको कहना चाहता हूँ, हसन में पिछले जुम्मा को जब नमाज पढ़ी थी, वहां उस वक्त सारे के सारे लोग मस्जिद के बाहर आए और उन्होंने प्रीएम्बल, जो हमारे संविधान का प्रीएम्बल है, वो पढ़ा है, बड़ी जोर जोर से वो प्रीएम्बल पढ़ा है। तो आपका जवाब तो मिल गया आपको, मेरे से क्या जवाब चाहिए? बाकी हिंदुस्तान क्या कह रहा है, कश्मीर क्या कह रहा है? राहुल भट्ट तो बेचारा एक नौजवान आदमी शिकार हुआ है, क्योंकि जो सांप्रदायिक ताकतें हिंदुस्तान में हैं और जिसका सिग्नलिंग कश्मीर में जा रहा है, और वो भी जबकि देश का नेतृत्व हमें वो फिल्म का रिकमेंडेशन करा। आपने फिल्म की बात की, आप डिलिमिटेशन पढ़िए ना, डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट, वो एक तो वो हमें पक्ष की बात होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट बॉडी है जो एक जस्टिस के अंडर काम हुआ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद हैं उस पे, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर मौजूद हैं। आपको कोई इलेक्शन कमीशन का एक एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। मैंने पढ़ा है रिपोर्ट, कंप्लीटली बायस्ड वेटेड टुवर्ड्स जम्मू, ताकि जो जम्मू में हमारी रूलिंग डिस्पेंसेशन की ताकतें बढ़ती जा रही हैं, ताकि वो एक तरीके की इलेक्ट्रल इंजीनियरिंग हो, और उसपे जितने भी उसपे रिप्रेजेंटेशन आई हैं, पीएजीडी जो मेनस्ट्रीम लीडर्स हैं, वो गए उनके पास रखे हैं, पूरा डिसरिगार्ड किया गया है। तो आपको क्या दिखाते हैं, कश्मीरियों को क्या दिखाते हैं? पहले कश्मीर फाइल दिखाते हैं, फिर डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट वो अभी सामने पब्लिक डोमेन में लाया है, अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, उसके बाद इलेक्शन होंगे, मगर सिग्नल दिया जा रहा है कि आपको हम ह्यूमिलिएट करेंगे, आपको हम डिसएम्पावर करेंगे, आप वही करेंगे जो हम आपको कहेंगे करने के लिए, और आपके कोई ताकत नहीं है। तो अगर हमने सारे विश्व में देखा है, जब ऐसी सूरत हाल, ऐसी स्थिति आती है, तो जो लोग दबे हुए हैं वो अलग तरीके के रास्ते ढूंढते हैं, ये रास्ता, और उस पर पाकिस्तान एक बड़ा बड़ा नेचुरल पार्टनर है। आपने कहा दबे हुए लोग और राह ढूंढते हैं, और सबसे ज्यादा दुख की बात है कि कम से कम जो ये एक्सप्रेशन है, जो अभिव्यक्ति हो रही है इन दबे हुए लोगों की, वो कम से कम आतंकवादियों के जरिए तो नहीं होनी चाहिए, और वही आप नतीजे के तौर पर सामने देख रहे हैं। खुशी की बात यह है अनुराधा जी कि इसमें चाहे इस बात को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम जो प्रोपेगेंडा है, जो नैरेटिव, उसको सूट नहीं करता कि इस पूरे प्रोटेस्ट में जहां लोगों को लाठियां खानी पड़ी, आंसू गैस के गोले भी उनके ऊपर छोड़े गए, वहां पर मुसलमान भी शामिल थे, कश्मीरी मुस्लिम्स भी उन लोगों के साथ शामिल थे जिन दो समूहों के बीच ये दरार पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन मुझे पुराना बयान याद आ रहा था, कश्मीरी समूह से ही बयान था जब ये फिल्म रिलीज हुई, ये कहा जा रहा था, शायद ये कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने कही बात, कि हम और ज्यादा असुरक्षित हो जाएंगे इस फिल्म के बाद, ऐसा नहीं है कि हमारी कोई भलाई हो रही है इससे। क्या आपको डर है किसी अनहोनी का, कि जो राहुल भट्ट पर ही नहीं रुकेगी सिर्फ? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो लोग वहां पे रह रहे थे, कश्मीरी पंडित जो इतने सालों से रह रहे थे, संजय टिकू की आपने बात की, जिनकी संस्था है कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति, उन्होंने पहली बार, उनकी जुबान से मैंने सुना अक्टूबर में, जब वो किलिंग्स हुई थी, कश्मीरी पंडित भी मारे गए और माइनॉरिटीज के और लोग भी मारे गए, तो पहली बार उन्होंने कहा कि आज हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं। और उसमें उस वक्त कपिल काक साहब ने कई चीजों को मेंशन किया, जैसे धारा 370 का हटना और उसके साथ डिलिमिटेशन कमीशन या ये फिल्म। धारा 370 के बाद कई कानून भी ऐसे बनाए गए और कई पॉलिसीज बनाएगी, और उसको लेकर ऐसे नैरेटिव भी पेश किए गए जिससे सेम सिग्नल मिल रहा था। और अक्टूबर में जो किलिंग्स हुई उसमें तब लाया था माइग्रेंट प्रॉपर्टीज एक्ट के तहत आप कहीं कोई भी ग्रीवेंसेस भर सकते हैं, तो जो ग्रीवेंसेस का नंबर आ रहा था उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि कितने मुसलमानों ने यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो हैं वो कश्मीरी पंडितों की हथियार ली हैं और उनको इंक्रोचमेंट की हुई है, हालांकि ये वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो एक गुस्सा था मुस्लिम्स के अंदर, जहां पे आज तक
90 में जो हुआ, अब 90 को पे चर्चा करना इस पे तो कई दिन लग जाएंगे, लेकिन संक्षिप्त में तब कंफ्यूजन बहुत था, बहुत सारी चीजें हो रही थी, बहुत सारे नए ट्रेंड्स थे। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स ने प्लान किया था ये आर्म्स ट्रेनिंग होगी, लोग वहां से आएंगे, उनका क्या रवैया रहेगा, कोई ऐसा प्लान नहीं था। कुछ चीजें अपने आप हो रही थी, बड़े बड़े पावर्स इन्वॉल्व थे, बॉर्डर के इस पार के उस पार के, तो उसमें वो किसी बहाव में चले गए हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो भी हुआ, एक्सेप्टेबिलिटी कश्मीर में नहीं थी कि माइनॉरिटीज को मारा जाए। कुछ इंसिडेंट्स हुए, उनपे कंडेमनेशन हुई, इसलिए इससे ज्यादा इंसिडेंट्स नहीं हुए। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ सकती है, खासतौर पे यूथ में। वो जिस किस्म की रेडिकलाइजेशन की तरफ वादी को पुश कर रहे हैं, वहां के नौजवानों को पुश कर रहे हैं, ये एक बहुत डेंजरस शक्ल ले सकता है। उसके बावजूद आज भी वादी में मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि मरने का दर्द क्या होता है, मारे जाने का दर्द क्यों होता है, क्योंकि मुस्लिम्स जो हैं वो उसको डेली बेसिस पे उसको फेस करते हैं, और वो गोली का शिकार बनते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की भी बनते हैं, मिलिटेंट्स की भी बनते हैं, और उनके लिए रोने वाला कोई नहीं होता, देश भर में कोई नहीं होता, उनको सिर्फ मिलाइन करने वाले होते। उसके बावजूद वो वहां आके खड़े हुए जी। और अगर और और शायद ज्यादा तादाद में आते, लेकिन कहीं उनके जहन पे दबाव का डर है, माहौल का डर है। और आपने ही देखा, आपने कहा भी, जिक्र किया कि जिस तरह जब कश्मीरी पंडित निकले फोर्सफुली, उन्होंने मुजाहरे किए वहां पे कई, राहुल भट्ट की हत्या के बाद, और उनको किस तरह से बेरहमी से टियर गैस किया गया, लाठी चार्ज किया गया। और अनुराधा जी, अगर मुस्लिम्स होते तो यहाँ एक रियल डेंजर ये भी है कि जब आप उनकी हत्या की के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप सीधे सीधे लोहा मोल ले रहे हैं, सीधे सीधे दुश्मनी मोल ले रहे हैं आतंकवादियों से। और आतंकवादी नरेंद्र मोदी सरकार कितना भी अपना ढोल बजाए, लेकिन वो अभी भी वहां पर एक बहुत बड़ी सच्चाई, एक बड़े नाक के तौर पर फन उठाए खड़ा हुआ है आतंकवाद, चाहे वो कितना भी कह लिया जाए कि 370 से हट गया। मेरे पास समय समाप्त हो गया अनुराधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। कपिल काक जी, आपका भी शुक्रिया। उम्मीद हम ये करते हैं कि आखिरकार तमाम तरह की राजनीति से दूर कोई तो सरकार, कोई तो पॉलिटिकल पार्टी, कम से कम जैसे अनुराधा जी जैसे लोग या आपके जैसे लोगों से बातचीत करके कम से कम कोई ऐसा समाधान निकले जिसमें कश्मीरी पंडितों का भी भला हो, जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं उनकी भी बदनामी और उनके ऊपर भी जो आरोप प्रत्यारोप है वो हमेशा के लिए खत्म हो, और बाकी भी जो भारत का हिस्सा है वो शांतिपूर्ण तरीके से रह पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।